कर रहे हैं उसका नाम है गोइंग प्लेसेस, और यह है 10+NCERT की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसका अंतिम लेसन है। इसके जो राइटर हैं उसका नाम है A.R. बार्डन, ये एक मॉडर्न इंग्लिश राइटर है। नमस्कार, इस वीडियो में हम जिस लेसन को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द मिडनाइट विजिटर, और यह है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो लेसन है ये 10th क्लास की सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उससे लिया गया है। और इसके जो राइटर हैं वो है रॉबर्ट आर्थर। तो इस लेसन में तीन कैरेक्टर्स हैं जिसमें एक का नाम है आसबल। तो ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे आसबल है, और जो दूसरा कैरेक्टर है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ये आसबल है, और ये जो है ये मैक्स है, और ये जो आप देख रहे हैं इधर ये फॉलर है। ठीक है, ये तीन कैरेक्टर्स हैं। लेसन का नाम है, स्टोरी का नाम है द मिडनाइट विजिटर, और तीन जो हमारे इस स्टोरी में तीन कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम आसबल है, ये एक सीक्रेट एजेंट है, और ये भी एक सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, ये दोनों सीक्रेट एजेंट्स हैं, और ये एक राइटर है, ये एक राइटर है, ये सीक्रेट एजेंट है, और ये भी सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, ये दोनों सीक्रेट एजेंट्स हैं। अब कहानी क्या है कि ये जो राइटर है जिसका नाम फॉलर है, ये आसबल से मिलने आया है। इसने जो है सीक्रेट एजेंट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो ये देखना चाहता है कि सीक्रेट एजेंट्स के साथ समय गुजारना कैसा होता है, ये कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहता है। तो ये इस सीक्रेट जो आसबल जो सीक्रेट एजेंट है इससे मिलने के लिए आया है कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, ये सब कुछ जानना चाहता है ये, और उसके बारे में फिर लिखना चाहता है क्योंकि एक राइटर है। और ये जो है मैक्स, ये भी एक जो है सीक्रेट एजेंट है, और जब ये कमरे में आते हैं, ये एक ये जो आसबल है ये एक फ्रेंच होटल में, इसका कमरा है, ये फ्रेंच होटल में रह रहा है। तो जब ये फॉलर इससे मिलने आता है आसबल से, तो ये अपने जो आसबल है ये फॉलर को अपने कमरे में लेकर जाता है, और जब ये कमरे में लेकर जाता है तो वहाँ पर जो मैक्स जो कि दूसरा सीक्रेट एजेंट है वो वहाँ उसको पिस्तौल लिए हुए दिखाई देता है, कमरे के बीच में खड़ा हुआ है ये पिस्तौल लेकर के। और उसके बाद क्या होता है, किस प्रकार से ये जो मैक्स है ये इस उस आसबल के कमरे में क्यों आया, ठीक है, और किस प्रकार आसबल इसे पीछा छुड़वाता है, किस प्रकार इससे बचता है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में लेसन को। देखिए, आसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन। आसबल किसी भी वर्णन में सही नहीं बैठता। किसके वर्णन में? ऑफिस सीक्रेट एजेंट, एक सीक्रेट एजेंट के। आसबल सीक्रेट एजेंट के किसी भी वर्णन में सही नहीं बैठता। फॉलर हैड एवर रेड, जो फॉलर ने पढ़ रखा है, मतलब फॉलर ने जो अब तक कभी भी एक जासूस का वर्णन जो पढ़ा है, मतलब फॉलर ने जासूसों के बारे में किताबें पढ़ी हैं, बहुत कुछ पढ़ा है, और उसने जो जासूसों के बारे में पढ़ा है वो कुछ भी उसे आसबल में दिखाई नहीं देता है। फॉलोइंग हिम डाउन, उसका पीछा करते हुए, कहाँ पर? द मस्टी कॉरिडर। मस्टी का मतलब होता है स्टिंकिंग, ठीक है, जो मस्टी है इसका मतलब होता है स्टिंकिंग, या गिविंग डैम्प स्मेल, ये स्टिंकिंग मानी बदबूदार, और गिविंग डैम्प स्मेल मीन्स होता है कि जब कोई सीलन भरी जब बदबू आती है कहीं पे, तो उसको हम जो है मस्टी स्मेल कहते हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग हिम डाउन, उसका पीछा करते हुए, फॉलोइंग हिम उसका पीछा करते हुए डाउन द मस्टी कॉरिडर, उस दुर्गंध युक्त गलियारे में से, दुर्गंध युक्त कॉरिडर में से, ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। ग्लूमी मीन्स होता है डार्क,
तो उस डार्क फ्रेंच होटल के, ठीक है, तो एक डार्क फ्रेंच होटल के एक दुर्गंध वाले एक कॉरिडोर में उसका पीछा करते हुए वेयर आसबल हैड ए रूम, जिस होटल में आसबल का कमरा है, फोलर फेल्ट लेट डाउन। फोलर निराश हुआ। लेट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। तो लेट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड। तो क्योंकि फोलर आसबल से मिलने आया था और आसबल के बारे में जानने आया था कि सीक्रेट एजेंट्स, क्योंकि उसने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है पहले, तो वो आसबल से मिलना चाहता है कि आसबल से मिल के वो सीक्रेट एजेंट्स के ऊपर कुछ लिखना चाहता है। तो जो भी उसने कुछ पहले आसबल जो सीक्रेट एजेंट्स के बारे में कुछ भी पढ़ा है, तो वो क्योंकि उसे आसबल में कुछ भी नहीं मिला, आसबल बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा जैसा उसने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ रखा है पहले, तो इस वजह से हालांकि वो उसके पीछे पीछे चल रहा है, होटल के कॉरिडोर में पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन वो निराश है। इट वॉज ए स्मॉल रूम, यह एक छोटा सा कमरा था ऑन द सिक्स एंड टॉप फ्लोर, जो चटी और सबसे टॉप फ्लोर पे था जो आसबल का कमरा था, ये बहुत छोटा सा कमरा था और चटी मंजिल पे था जो सबसे टॉप मंजिल थी, जो सबसे टॉप स्टोरी थी। एंड स्कार्सली ए सेटिंग, सेटिंग का मतलब प्लेस, ठीक है, और स्कार्सली ए सेटिंग, और यह बड़ी मुश्किल से ही एक स्थान दिखता था फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, एक रोमांचकारी किसी रोमांचकारी साहसिक कार्य के लिए। तो ये जो जगह थी किसी भी रोमांचकारी साहसिक कार्य के लिए, मतलब ये जगह उपयुक्त नहीं थी या ये जगह सूटेबल नहीं थी। आसबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, और आसबल जो था उसके बारे में एक चीज़ थी कि वो बहुत ही मोटा था, बहुत मोटा था। एंड देन देर वाज इज एसेंट, और फिर उसका बोलने का लहजा, एसेंट का मतलब होता है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, कि बोलने की जो शैली होती है उसको हम एसेंट बोलते हैं, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग ऑफ द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। जिस प्रकार से आप हरियाणा में देखते हो तो लोगों का लहजा कुछ और है, राजस्थान में जाओगे तो जैसे बोलने का लहजा कुछ और है होगा, बिहार साइड जाते हैं तो थोड़ा सा बोलने का जो लहजा है ना वो थोड़ा सा अलग, उसकी स्टाइल अलग है। तो ये जो बोलने का जो तरीका होता है उसको हम एशेंट बोलते हैं। तो उसका बोलने का जो तरीका था वो कैसा था, वो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, पासेबली का मतलब होता है काम चलाओ ढंग से। तो यद्यपि वो फ्रेंच और जर्मन भाषाएं काम चलाओ ढंग से बोल सकता था, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एशेंट, लेकिन वो जो अमेरिकन लहजा था बोलने का वो बिल्कुल नहीं भूला था, मतलब पूरी तरह से वो उस अमेरिकन लहजे को नहीं भूला था। ही हैड ब्रोट टू पेरिस, जो लहजा वो पेरिस लेकर आया था, जिस लहजे के साथ वो पेरिस आया था फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से 20 ईयर्स है वो 20 साल पहले। हालांकि 20 साल पहले वो कहाँ रहता था, अमेरिका में रहता था, मतलब बोस्टन में रहता था, और अमेरिकन लहजा उसको आता था, लेकिन 20 साल पहले वो जो है पेरिस में आ गया था, और उसको पेरिस में रहते हुए 20 साल हो गए थे, लेकिन वो अभी भी जो बोलने का जो अमेरिकन लहजा था उसको नहीं बोला था, और फ्रेंच और जर्मन जो थी वो उस काम चलाओ ढंग से वो बोल लेता था। यू आर डिसअपॉइंटेड, हासबल सैड, हासबल ने कहा तुम निराश दिखाई दे रहे हो, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश। विजिली ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर से घर घर करते हुए बोला। विजिली का मतलब होता है घर घर की आवाज़ निकालते हुए बोलना, मोटी आवाज़ में बोलना घर घर की आवाज़ के साथ। तो ऐसी आवाज़ में अपने कंधे के ऊपर से आसबल बोला फॉलर से कि तुम निराश दिखाई दे रहे हो। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई, एक जासूस हूँ, डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, जिसका सामना एस्पियोनेज से होता है और डेंजर से होता है। एस्पियोनेज का मतलब होता है स्पाइंग, जो जासूसी होती है उसको कहते हैं। कि मेरा तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ, और मेरा जो सामना है वो जो है जासूसी से होता है और खतरों से होता है। यू विश टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बिकॉज यू आर ए राइटर, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक,
जो यंग हो और रोमांटिक हो, जवान हो और रोमांचकारी हो। यू एनविजेंट मिस्टीरियस फिगर्स, एनविजेंट का मतलब होता है इमेजिन, ठीक है, इमेजिन। तो यू इमेजिन, तुमने कल्पना की थी, किसकी कल्पना की थी, मिस्टीरियस फिगर्स की, रहस्यमय आकृतियों की, इन द नाइट, रात को, अर्थात तुम जब मेरे पास आए थे, तुम मेरे पास आने से पहले तुमने जो कल्पना की थी कि रात को मैं रहस्यमय आकृतियाँ देखूँगा, यहाँ आकर के द क्रैक ऑफ पिस्तौल्स, पिस्तौल्स के चलने की आवाज़ सुनूँगा, ड्रग्स इन द वाइन या वाइन वगैरह शराब वगैरह में ड्रग्स वगैरह कैसे मिला के पीते, वो सब कुछ देखूँगा। इंस्टेड, इसके अलावा यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग, तुमने एक डल इवनिंग बिताई है, तुमने एक नीरस शाम बिताई है, एक ऐसी शाम बिताई है जो डल थी, डल मीन्स नीरस, इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में विद ए स्लॉपी फैट मैन, एक स्लॉपी फैट मैन के साथ। स्लॉपी फैट मैन, फैट मैन तो होता है मोटा आदमी, फ्लोटी का मतलब होता है जो केयरलेसली ड्रेस पहनता है, जो बेढंगी रूप से अपने कपड़े पहना हुआ होता है, कोई मतलब उनके उसके कपड़ों में कोई सिस्टम नहीं होता, कोई कपड़े पहनने का ढंग उसका थोड़ा सा जो केयरलेस होता है, उसको स्लॉपी कहते हैं। तो एक स्लॉपी मोटे आदमी के साथ तुमने एक फ्रांसीसी म्यूजिक हॉल में एक डल इवनिंग गुजारी है। इंस्टेड हो जो, अर्थात जो मोटा आदमी, इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड्स बाय डार्क आइड ब्यूटीज, गेट ओनली ए प्रोसेस टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है कि ये कह रहा है कि इसकी बजाय, अर्थात तुमने कल्पना तो क्या की थी, तुमने कल्पना तो ये की थी कि तुम ये देखोगे यहाँ आके, ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ ले आता हूँ आपको। देखो, तुम्हें बताया गया था कि तुम एक कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ, मेरा सामना जो है एक जो है एस्पियोनेज से और डेंजर से, मतलब जासूसी से और खतरों से होता है, और तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग और रोमांटिक हो, और तुमने कल्पना की थी मिस्टीरियस आकृतियों की रात को, और पिस्तौल के चलने की, और शराब में ड्रग्स वगैरह की, ये तो तुम कल्पना करके मेरे पास आए थे, ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ आके मिला क्या, यहाँ आके तुम्हें, यहाँ आने के बाद तुम्हें क्या मिला, इंस्टेड इसकी बजाय यू हैव स्पेंट डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, इसकी बजाय तुम्हें फ्रेंच हॉल, फ्रेंच के म्यूजिक हॉल में तुमने एक नीरस्याम गुजारनी पड़ी मेरे साथ, ठीक है, किसके साथ, मेरे साथ, विद ए स्लॉपी फैट मैन, अर्थात वो अपने आप बारे में कह रहा है अपने आप को कि एक मैं एक स्लॉपी फैट मैन के साथ तुम्हें एक फ्रांस के म्यूजिक हॉल में एक नीरस्याम गुजारनी पड़ी, वो स्लॉपी फैट मैन जो इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस, जो संदेश प्राप्त करने की बजाय स्लिप्ड इनटू हिज हैंड्स बाय डार्क आइड ब्यूटीज, काली आंखों वाली सुंदर स्त्रियों के सुंदर लड़कियों के हाथों से, जो काली आंखों वाली सुंदर लड़कियों के हाथों से मैसेज प्राप्त करने की बजाय, संदेश प्राप्त करने की बजाय, गेट्स ओनली प्रोसेक टेलीफोन कॉल, केवल एक प्रोसेक मैन ऑर्डिनरी जो साधारण टेलीफोन कॉल प्राप्त करता है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, अगर उसे अपने कमरे में कोई अपॉइंटमेंट करनी होती है, मतलब किसी व्यक्ति से मिलना होता है, कोई व्यक्ति अगर उससे मिलना चाहता हो और उसके पास अगर कोई अपॉइंटमेंट लेके आए, तो कोई सुंदर लड़कियां उसके पास मैसेज लेके नहीं आती हैं, ठीक है, बल्कि एक सिंपल सा एक टेलीफोन कॉल आता है। तो इससे ये पता चलता है कि वो कह रहा है फॉलर से कि फॉलर ने सोचा होगा कि वहाँ पर मैं जाऊँगा तो मुझे जो है एक सीक्रेट एजेंट कैसे होते हैं ये पता चलेगा, और वहाँ पर जाऊँगा तो सीक्रेट एजेंट जो भी उसको किसी को अगर अपॉइंटमेंट लेनी होगी उससे मिलने के लिए, तो सुंदर जो लड़कियाँ हैं उसके हाथों से मैसेज भेजा जाता होगा, तो ये सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुमने यहाँ आकर ये देखा कि मैं ये सब कुछ करने के बजाय सिर्फ किसी अगर कोई व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है तो मैं केवल एक साधारण सा टेलीफोन जो होता है टेलीफोन कॉल वो लेता हूँ, सिर्फ टेलीफोन कॉल के माध्यम से ही मैं दूसरों से किसी से भी मिलने के लिए जो है समय निर्धारित करता हूँ। यू हैव बीन बोर्ड, तुम उब रहे हो, द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, ये कह के जो मोटा आदमी था वो अपने मन ही मन हंसा, चकल का मतलब होता है बिना मुंह खोले हंसना,
ठीक है, ऐसे हंसना जैसे मुंह भी ना खुले और जिससे दांत वगैरह ना दिखे, तो ऐसे हंसना को कहते हैं चकल्ड। तो द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, जो मोटा आदमी था वो अपने मन ही मना सा, एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, जब उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला एंड स्टूड असाइड, और एक तरफ खड़ा हो गया, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, ताकि उसका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट अंदर आ जाए। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स होता है निराश, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड मीन्स निराश। आगे यू आर डिसिल्यूजन, आसबल टोल्ड हिम, आसबल ने उससे कहा कि तुम भ्रमित हो गए हो। अब भ्रमित क्या होता है, भ्रमित होता है टू रियलाइज दैट द बिलीफ ही हैड इज फॉल्स, ठीक है। यू आर डिसिल्यूजन का मतलब है कि यू हैव रियलाइज्ड दैट द बिलीफ यू हैड इज फॉल्स, कि जो तुम मतलब तुमने विश्वास करते हो कि जो विश्वास तुम्हारे पास था, कि तुम्हारा विश्वास था कि सीक्रेट एजेंट ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये सब कुछ एक झूठ निकला है, एक नकली निकला है, क्योंकि मैं वैसा नहीं मिला तुम्हें जैसा तुम सोच के आए थे। तो यू आर डिसिल्यूजन, तुम भ्रमित हो रहे हो, तुम भ्रमित नजर आ रहे हो। आसबल टोल्ड हिम, आसबल ने उससे कहा अर्थात जो तुम्हारा विश्वास था वो भंग होने की वजह से तुम निराशा से ग्रसित हो गए हो। लेकिन उसने कहा बट टेक केयर चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन मेरे युवा मित्र तुम खुश हो जाओ। प्रेजेंटली, हाल ही में अर्थात कुछ देर बाद, यू विल सी ए पेपर, तुम एक कागज़ देखोगे, क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, एक बिल्कुल ज़रूरी कागज, फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन, जिसके लिए कई पुरुषों ने और औरतों ने हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, अपना जीवन जोखिम में डाल रखा है, ठीक है। हाल ही में वो क्या कहता है कि हाल ही में तुम एक कागज़ देखोगे, एक महत्वपूर्ण कागज़ देखोगे, एक जो जिसके लिए कई जो है पुरुष और स्त्रियों ने अपनी जो जान है वो जोखिम में डाल रखी है। कम टू मी, वो कागज़ मेरे पास आते हुए तुम देखोगे। अर्थात उसने कहा कि हाल ही में तुम मेरे पास एक ऐसा पेपर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर मेरे पास आते हुए देखोगे तुम, जिसके लिए मतलब अब तक तो तुमने कोई भी रोमांच नहीं देखा है, ये बात सच है कि जैसा तुम सोच के आए थे वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसने कहा कि मेरे मित्र अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि तुम एक मेरे पास ऐसा इम्पोर्टेंट पेपर आते हुए देखोगे जिसके लिए बहुत सी जो पुरुष और स्त्रियाँ हैं उन्होंने अपना जीवन जोखिम में डाल रखा है। समडे सून, शीघ्र ही किसी दिन, दैट पेपर मे वेल इफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये जो कागज़ हैं ये इतिहास के मार्ग को प्रभावित कर सकता है। किसी न किसी दिन ये जो पेपर जो मेरे पास आने वाला है वो इतिहास के मार्ग को अर्थात इतिहास की दिशा को जो है प्रभावित कर सकता है या बदल सकता है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इस विचार में एक नाटक का तत्व है। इज देयर नॉट, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसमें कोई नाटकीय भाव है, कोई नाटक वाला तत्व है, कोई जो है नाटक का कोई एलिमेंट नजर आ रहा है तुम्हें, क्या ऐसा नहीं लगता? आगे एज ही स्पोक, जब वो ये बोल रहा था तो आसबल क्लोज द डोर, तो आसबल ने दरवाज़ा बंद कर दिया बिहाइंड हिम, उसके पीछे, मतलब जब उसका गेस्ट अंदर आ गया, फॉलर जो है अंदर आ गया, तो उसने उसके पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया उसके अंदर आने के बाद। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने जो लाइट थी वो ऑन की। आगे चलते हैं, एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही प्रकाश हुआ, जैसे ही लाइट जली, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, तो फॉलर ने
फॉलर को उसका दिन का पहला जो है स्पष्ट जो असली जो रोमांच है वो देखने को मिला। जैसे ही लाइट जली तो फॉलर को अपना दिन का पहला रोमांच, ठीक है, वो देखने को मिला। अब जो ये थ्रिल होता है इसका मतलब होता है सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। और ये जो ऑथेंटिक होता है इसका मतलब होता है ट्रू, ठीक है, ट्रू या रियल भी कह सकते हैं। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला फॉलर को उसका दिन का पहला जो रियल जो एक्साइटमेंट था वो देखने को मिला। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम का मतलब है इन द मिडल ऑफ द रूम कि कमरे के बीच में ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इन इज हैंड स्टूड ए मैन, कि एक स्वचालित पिस्तौल अपने हाथ में लेकर एक आदमी खड़ा हुआ था, ठीक है। तो जो फॉलर था उसको अपने दिन का पहला रोमांच किस रूप में मिला, तो जैसे ही दरवाज़ा खुला और रोशनी हुई, जैसे ही ऑसबल ने अपने जो है लाइट जलाई, तो उन्हें क्या मिला, कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा हुआ मिला और उस आदमी के हाथ में क्या था, एक ऑटोमेटिक पिस्तौल था, ठीक है। और ये सब कुछ क्या था, ये था फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे फॉलर के लिए, दिन का पहला रियल रोमांच। हॉस्बल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, हॉस्बल ने कुछ बार, ठीक है, समटाइम्स, ए फ्यू टाइम्स का मतलब समटाइम्स, तो कई बार अपनी जो है पलकें झपकाई। ब्लिंक का मतलब होता है ओपन एंड क्लोज ऑफ आईज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आईज, जब हम अपनी आंखें ओपन क्लोज करते हैं तो ब्लिंक होती है, वो तो ब्लिंक कहते हैं उसको। तो ऑसबल ने कई बार अपनी जो आंखें हैं वो ब्लिंक की और फिर हैरानी से कहा, मैक्स ही विज्ड, उसने घर्राहट की आवाज़ निकालते हुए कहा, मतलब घर घर की आवाज़ के साथ कहा, गुर्रा है वो, मैक्स यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तो तुमने तो मुझे चौंका ही दिया, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा था तुम बर्लिन में होगे, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे जो मैक्स का मैक्स की जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको दिखाया गया है, मैक्स को डिस्क्राइब किया गया है कि वो मैक्स कैसा देखने में कैसा दिखाई दे रहा था। तो मैक्स वाज ए सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है थिन, थिन मींस पतला, तो मैक्स जो था वो पतला था, ए लिटिल लेस देन टॉल, वो लंबे से थोड़ा छोटा था, ज़्यादा लंबा नहीं था, लंबे से थोड़ा छोटा था, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, ठीक है। पॉइंटेड का मतलब होता है एनॉयड, ठीक है, फीचर्स मानी होती है विशेषताएं, और स्लाइटली मानी होता है थोड़ा, स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा, और क्राफ्टी का मतलब होता है, क्राफ्टी को हम कह सकते हैं ट्रिकी या क्लेवर भी कह सकते हैं, ट्रिकी या क्लेवर, ठीक है। और जो ये काउंटेनेंस है इसका मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, चलिए अब समझते हैं। तो मैक्स पतला था, लंबे से थोड़ा छोटा था, विद फीचर्स, और उसकी विशेषताएं थी, जो उसकी विशेषताएं थी वो सजेस्टेड का मतलब यहाँ पे हम शो कह सकते हैं, तो जो शो कर रही थी उसकी जो विशेषताएं थी ना, उसमें ऐसी विशेषताएं थी जो यह शो कर रही थी, क्या शो कर रही थी, स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, कि वो देखने में उसके चेहरे पर जो उसका जो लग रहा था वो थोड़ा सा चतुर लग रहा था, ठीक है, उसकी जो विशेषताएं थी वो दिखा रही थी कि वो थोड़ा सा चतुर है, थोड़ा एनॉयड है, एनॉयड मीन्स नाराज है, क्रोधित है,
और काउंटेनेंस ऑफ फॉक्स और उसके चेहरे पर जो लोमड़ी की जो फेशियल एक्सप्रेशन होती है वो दिखाई दे रही थी, अर्थात वो बहुत ही चालाक व्यक्ति नज़र आ रहा था। ये उसके चेहरे का जो आभास था वो लग रहा था, मतलब उसके चेहरे से क्या आभास दिख रहा था, लोमड़ी की चतुराई। जिस प्रकार से लोमड़ी चतुर होती है तो उसके चेहरे पर भी जो फेशियल एक्सप्रेशन थे उसके वो क्लेवर वाले थे, क्राफ्टी मतलब धूर्तता वाले थे। देर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेसिंग। मिनेसिंग का मतलब होता है डेंजरस। तो देर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, अगर उसके हाथ से वो गन ले लो, अगर उसके पास से वो गन दूर कर दी जाए तो नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, तो उसके बारे में कुछ भी खतरनाक नहीं था, मतलब उसके पास जो गन थी वही केवल एक डेंजरस लग रही थी। अगर उसके हाथ से गन ले लो, अगर उसके हाथ से जो है बंदूक है वो छीन लो, या उसके हाथ से गन जो भी गन है वगैरह जो भी हथियार ले रखा है उसने, वैसे एक बंदूक ले रखी है उसके हाथ में, बंदूक है गन है या एक पिस्तौल जैसे कि मैंने शुरू में पढ़ा था, तो अगर वो पिस्तौल अगर उसके हाथ से ले लिया जाए, अगर वो पिस्तौल को कहीं रख दे तो उसके बारे में कुछ भी ऐसी खतरनाक चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, वो देखने में ऐसा खतरनाक नहीं लग रहा था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, वह बड़बड़ाया कि वो रिपोर्ट। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, वो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास लाई जा रही है। कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो नई मिसाइलों के बारे में है, कंसर्निंग मानी के संबंध में जो नई मिसाइलों के संबंध में है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, कि वो तुमसे मैं ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, ये तुम्हारे हाथों की बजाय मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। आगे देखिए, आसबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, आसबल एक आर्म चेयर की ओर मुड़ा, ठीक है, आर्म चेयर मीन्स आरामदायक कुर्सी, उसकी ओर मुड़ा, एंड सैट डाउन हैवीली, और भारी मन से बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, अब ये जो फ्रेज है टू रेज द डेविल, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जब तक ये समझ नहीं आएगी आगे हम नहीं चलेंगे। रेज द डेविल, इसका मतलब होता है टू मेक ए नॉइजी डिस्टर्बेंस, टू मेक ए नॉइजी डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब मान लीजिए आप कहीं पे कुछ काम करवाना चाहते हैं, आप किसी से कुछ मनवाना चाहते हैं और वो वैसा ना करे और आप शोर मचा के लोगों को बताना चाहें, ठीक है, वहाँ पे उसके खिलाफ अगर आप शोर मचाएं तो वो उसको कहते हैं टू रेज द डेविल। ठीक है, अगर मान लीजिए आप वहाँ पे, आप ऐसे कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, कि मैं फिर शोर मचाऊंगा, ठीक है ना। आप किसी से अगर आपका कहना कोई नहीं मान रहा और आप चाहते हैं कि मैं शोर मचाऊं यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, अदरवाइज डू वट एवर आई एम सेइंग, नहीं तो वो काम करो जो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगा। तो रेज द डेविल का मतलब होता है टू मेक ए नॉइज डिस्टर्बेंस, कि एक शोर भरा डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। तो मैं जो आसबल है वो भारी मन से पहले तो कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर कहता है आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, कि मैं इस बार होटल का जो मैनेजमेंट है उसके साथ जो है एक नॉइज डिस्टर्बेंस करूँगा, मतलब मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम इसके बारे में शर्त लगा सकते हो, तुम उसके बारे में शर्त लगा सकते हो। ही सैड ग्रिमली, उसने ग्रिमली का मतलब होता है सीरियसली। दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ, ऐसा एक महीने में दूसरी बार हुआ है, दैट समबडी हैज गोट इन टू माई रूम, कि कोई व्यक्ति मेरे कमरे में घुस आया है, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, उस परेशानी भरी बालकनी की वजह से।
अब बालकोनी को वो न्यूसेंस कह रहे हैं। न्यूसेंस का मतलब होता है एक परेशानी, जैसे आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, परेशानी जो है वो वस्तु होती है जो परेशानी पैदा करती है आपके लिए, परेशानी जो ट्रबल क्रिएट करे। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई एक डॉग है वो आपके पीछे हो लेता है या आपको काटने की कोशिश करता है, तो वो वहाँ पे एक न्यूसेंस है। अगर आप छत पे पड़ रहे हैं मान लीजिए और आपको धुआं आ रही है कहीं पर से भी, या कोई भी शोर आ रहा है, तो वो शोर एक न्यूसेंस है। ठीक है, तो कोई भी परेशानी क्रिएट करती है, कोई भी ट्रबल क्रिएट करती है, वो वस्तु न्यूसेंस होती है। तो वो कह रहा है कि उस बालकनी को न्यूसेंस कह रहे हैं कि इस परेशानी वाली जो बालकनी है, जो मतलब ये बालकनी की जो परेशानी है, तो ये जो बालकनी रूपी जो परेशानी है, मतलब परेशानी रूपी बालकनी हम ये कहेंगे, तो जो परेशानी रूपी जो बालकनी है, इससे इसके माध्यम से ऐसा महीने में दूसरी बार हुआ है जब मेरे कमरे में घुसा है। फॉलर साइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फॉलर की आँखें कमरे की एकमात्र खिड़की की ओर गई। उसने जो कमरे में देखा कि भाई कमरे में तो एक ही खिड़की है, और उसने उस खिड़की की ओर देखा। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, या एक ऑर्डिनरी विंडो थी, एक साधारण सी खिड़की थी, सिंपल सी खिड़की थी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसमें से जो रात है, रात का जो अंधेरा है वो नज़र आ रहा था, जिस खिड़की में से जो रात का अंधेरा है वो नज़र आ रहा था, अर्थात बाहर से नाइट अर्थात रात ऐसी लग रही थी मानो रात अपने डार्क कलर को, ब्लैकली का मतलब होता है डार्क कलर, ठीक है, पर प्रेसिंग का मतलब दबाव दे रही थी, प्रेस कर रही थी, मानो कि बाहर से जो रात है वो अपना जो काला जो रंग है उसको अंदर की तरफ प्रेस कर रही है खिड़की में से, ऐसे दिख रहा था। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा बालकनी विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, राइजिंग इन्फ्लेक्शन के साथ उसने कहा। अब राइजिंग इन्फ्लेक्शन क्या होता है? राइजिंग इन्फ्लेक्शन होता है जो स्वर में, जो आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है उसको हम इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग। ठीक है, जब हमारे बोलते समय जब आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है उसको कहते हैं। तो वो फॉलिंग इन्फ्लेक्शन के साथ नहीं कहा, उसने राइजिंग इन्फ्लेक्शन के साथ कहा, मतलब जो स्वर में जो चढ़ाव था उसके साथ कहा, आवाज़ को थोड़ा सा जोर से करते हुए मतलब कहा, अपने स्वर में थोड़ा सा चढ़ाव लाते हुए कहा कि बालकनी, मेरे पास तो एक पास की मीन्स होता है मास्टर की, जिससे कोई भी ताला खोला जा सके। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं बालकनी के बारे में कुछ नहीं जानता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो इससे मेरी कुछ परेशानी बच सकती थी, मतलब मुझे परेशान नहीं होना पड़ता, मुझे कुछ परेशानी से बचा सकती थी। अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो यह बात मुझे कुछ परेशानी से बचा सकती थी। आगे आसबल ने कहा, इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है, आसबल सेड, आसबल ने कहा विद एक्सट्रीम इरिटेशन। इरिटेशन मानी होता है नाराजगी, ठीक है, और एक्सट्रीम मानी अत्यधिक, अत्यधिक नाराजगी के साथ, अत्यधिक चिड़चिड़ेपन के साथ आसपल ने कहा, ये मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये अगले अपार्टमेंट की है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, उसने एक्सप्लेनेटरी ढंग से फॉलर की ओर देखा। अब एक्सप्लेनेटरी ढंग से का मतलब क्या हुआ? उसने स्पष्टीकरणात्मक ढंग से फॉलर की ओर देखा, व्याख्यात्मक ढंग से फॉलर की ओर देखा। फॉलर कौन? राइटर, ठीक है ना, जो राइटर उससे मिलने आया है उसकी ओर उसने एक्सप्लेनेटरी ढंग से देखा। यू सी,
तुम जानते हो, ही सेड, उसने कहा कि दिस रूम यूज टू बी ए पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, कि यह कमरा पहले एक बड़ी यूनिट का हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला कमरा है, थ्रू द डोर देयर, उस दरवाजे के उस पार, ठीक है, वो कह रहा है कि उस दरवाजे के उस पार जो जो अगला जो कमरा है, यूज टू बी द लिविंग रूम, उसको लिविंग रूम के रूप में यूज किया जाता था, उसको लिविंग रूम के रूप में यूज किया जाता था। इट हैड द बालकनी, इसकी एक बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो अब एक्सटेंड हो गया, मतलब जो आगे बढ़ के मेरी विंडो तक आ रही है। जो बालकनी थी वो अगले कमरे की थी, और उसकी बालकनी जो है मेरे जो विंडो है, ये एकमात्र जो विंडो है मेरे कमरे की, इसके नीचे तक आ रही है। यू कैन गेट इन टू इट, तुम इस पर आ सकते हो, तुम इस बालकनी पर आ सकते हो, फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन, दो दरवाजे छोड़ के एक खाली कमरा है, उस खाली कमरे में अगर तुम चले जाओ और उसमें से तुम इस बालकनी पर आ सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही पिछले महीने किसी ने किया। द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड, जो होटल की जो मैनेजमेंट है, उसने मुझसे वायदा किया था टू ब्लॉक इट ऑफ, कि वे इसको ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर, मैक्स ने फॉलर की ओर देखा, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली, स्टिफली का मतलब होता है अकड़कर, ठीक है, जो अकड़कर खड़ा हुआ था, नॉट फार फ्रॉम आसबल, आसबल से दूर नहीं, अर्थात आसबल के पास, जो आसबल के पास ही अकड़ा हुआ खड़ा था, उसकी ओर देखा मैक्स ने। एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग जेस्चर, और एक कमांडिंग जेस्चर के साथ उसने जो गन है वो लहराई। कमांडिंग का मतलब होता है ऑर्डरिंग, और जेस्चर का मतलब होता है सिग्नल, ठीक है। तो ऑर्डर देने के सिग्नल के साथ, जैसे कि उसको ऑर्डर दे रहा हो, ठीक है, आदेश देने के संकेत, जो आदेशात्मक जो संकेत होता है उसके साथ, आदेशात्मक संकेत के साथ उसने गन को उसकी तरफ लहराया और क्या कहा, प्लीज सिट डाउन, ही सैड, उसने कहा कृपया करके बैठ जाओ, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है कि हमें आधे घंटे और इंतज़ार करना पड़ेगा, 31 minutes, आसबल सैड मूडीली। आसबल ने कहा नहीं नहीं, कितने देर करना पड़ेगा, 31 मिनट। आसबल ने कहा कि नहीं नहीं, 30 मिनट नहीं, 31 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट है अर्थात जो रिपोर्ट आने वाली है वो 12:30 के आसपास आएगी, अर्थात 12:30 पर आएगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है मैक्स है, उसको भी ऑलरेडी पता है कि आसबल के पास एक रिपोर्ट आने वाली है और वो कब आने वाली है, ठीक है, तो उसको ऑलरेडी पता है ये चीज़ें, इसीलिए वो यहाँ पे इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई रिपोर्ट आने में तो अभी आधा घंटा है, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया है वहाँ पे, भाई कौन रिपोर्ट लेके आएगा, किसके बारे में रिपोर्ट है, कितनी इंपॉर्टेंस है उस रिपोर्ट की, तो उसे इस चीज़ के बारे में, इसके बारे में आई थिंक सब कुछ पता है ऑलरेडी, इसलिए वो ये कह रहा है। तो हॉस्पिटल कहता है कि द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, कि जो आज जो अपॉइंटमेंट है, मतलब जो मिलने का समय है, वो 12:30 का है, कि जो कुछ मुझसे मिलने आएगा, जो रिपोर्ट लेके आएगा, वो 12:30 आएगा। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, काश मुझे पता होता कि तुम्हें उस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, जो छोटा जासूस था वो मुस्कुराया, ठीक है, स्माइल, मुस्कुराया, छोटा जासूस था वो मुस्कुराया, कैसे मुस्कुराया, इविली, इविली का मतलब होता है दुष्टता के साथ, दुष्टता के साथ, मन में थोड़ी सी इविल फीलिंग लिए हुए वो मुस्कुराया, बुरी भावना के साथ हम कह सकते हैं। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गोट दैट रिपोर्ट, गोट द रिपोर्ट, और हम जानना चाहते हैं, ठीक है ना, छोटा जासूस को, यहाँ पे लिटिल स्पाई कौन है, मैक्स, तो जो मैक्स है वो दुष्टता के साथ पहले तो इविल फीलिंग्स के साथ पहले तो मुस्कुराया, फिर उसने कहा और हम ये जानना चाहते हैं
मतलब काश हमें ये पता होता कि तुम्हारे लोगों को वो रिपोर्ट कहाँ से प्राप्त हुई। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं आज रात उसको वापस ले लूँगा। वट इज़ दैट? फिर तभी क्या होता है, वो ये तो बोलता है कि मैं अभी जो है आज रात उसको वापस ले लूँगा। तभी क्या होता है, तभी दरवाजे पर जो जिस रूम में ये सब कुछ हो रहा है उस रूम के दरवाजे पर जो है खटखटान की आवाज़ आती है, नॉकिंग की आवाज़ आती है। और जैसे ही नॉकिंग की आवाज़ आती है मैक्स कहता है व्हाट इज दैट, कि ये क्या है, हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। फॉलोअर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, और जैसे ही वो दरवाजे पर सडन नॉकिंग हुई, अचानक जो खटखटाने की आवाज हुई, तो जो फॉलोअर है वो जंप्ड, वो उछल पड़ा। जैसे ही दरवाजे पर अचानक जो नॉकिंग की आवाज हुई, इसको सुन के क्या हुआ, जो फॉलोअर था वो उछल पड़ा। आसबल जस्ट स्माइल्ड, लेकिन आसबल केवल मुस्कुराता रहा। दैट विल बी द पुलिस ही सैड, उसने कहा ये पुलिस होगी। आई थॉट, मैंने सोचा दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर, कि इतना महत्वपूर्ण कागज, एज द वन वी आर वेटिंग, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसकी कोई अतिरिक्त जो है प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना। उसने कहा कि मैंने सोचा कि ऐसा महत्वपूर्ण कागज जिसकी हम सब लोग यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, भाई ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर जो एक दिन किसी न किसी इतिहास को प्रभावित कर सकता है, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो उसने कहा कि ऐसा इंपॉर्टेंट कागज, इतना महत्वपूर्ण कागज जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ तो जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मीन्स अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, आई टोल्ड दैम, मैंने उनको बताया था कि टू चेक ऑन मी, कि मुझे चेक करते रहें, मुझे सुनिश्चित करते रहें, टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कि ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है। मैंने, आसबल कह रहा है कि मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, ये सब कुछ सुनिश्चित करने के लिए मुझे चेक ऑन करते रहें। चेक ऑन का मतलब हम निगरानी भी कह सकते, भाई मेरे ऊपर निगरानी करते रहें कि सब कुछ चेक ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, या मेरा हालचाल पूछते रहें, मेरा हालचाल के बारे में पता करता रहें, तो मुझे चेक ऑन करते रहें। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, इसी बीच क्या हुआ कि जो मैक्स था उसने अपने होठ चिंतित होते हुए चबाए, क्योंकि वो घबरा गया, तो उसने घबराते हुए अपना जो होठ है वो बिट किया, चबाया चिंतित होते हुए, कि भाई अब क्या करूं, अब तो पुलिस आ गई। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, जो नॉकिंग थी वो रिपीटेड मतलब दोबारा हुई, वो नॉकिंग जो थी वो रिपीट हुई। वट विल यू डू नाउ मैक्स, मैक्स अब तुम क्या करोगे, आसबल आस्क्ड, आसबल ने पूछा मैक्स अब तुम क्या करोगे। If I do not answer the door, अगर मैं दरवाजे पर जो खटखटाहट हो रही है उसका अगर मैं उत्तर नहीं दूंगा, तो they will enter anyway, तो वे किसी भी पल अंदर आ जाएंगे। The door is unlocked, दरवाजा अगर खुला है अर्थात उसका ताला खुला हुआ है, उसके ताला नहीं लग रहा है, and they will not hesitate to shoot, और तुम पर गोली चलाने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। Hesitate means हिचकिचाना। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और वह जल्दी से, स्विफ्टली मानी फास्ट, स्विफ्टली मीन्स होता है फास्ट, और वो बहुत ही जल्दी से ही बैक्ड पीछे हटा, बैक्ड का मतलब पीछे हटना, स्विफ्टली मीन्स तेजी से, वो तेजी से पीछे हटा टुवर्ड्स द विंडो, खिड़की की ओर। यह सुनते ही जब उसने कहा कि जो ये मतलब दरवाज़ा खुला है उसके ताला नहीं लग रहा, अब वो किसी भी पल अंदर आ सकते हैं, और वो जैसे ही अंदर आएंगे वो तुम पर गोली भी चला सकते हैं, तो वो गोली चलाने में भी नहीं हिचकिचाएंगे, तो ये सुनकर पहले तो मैक्स का चेहरा जो काला पड़ गया, मतलब मैक्स का जो
चेहरा था वो गुस्से से काला पड़ गया और फिर उसने अपने आप को खिड़की की ओर तेजी से पीछे की ओर किया। ही स्वंग ए लैग ओवर द स्टील। उसने अपना एक पैर खिड़की की चौखट के ऊपर मोड़ा, खिड़की की चौखट की ऊपर की तरफ मोड़ा। स्टैंड देम अवे, और उसने कहा उन्हें भेज दो। ही वार्न्ड, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं उस बालकनी पर इंतजार करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट, उन्हें वापस भेज दो नहीं तो मैं उन्हें गोली मार दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और मैं जोखिम मतलब मैं खतरा मोल ले लूँगा, मैं खतरा मोल भी ले सकता हूँ कि अगर वो अंदर आए और मेरे ऊपर भी गोली चलाएं, या मतलब मैं उनके ऊपर जरूर गोली चलाऊंगा, बाद में चाहे मैं पकड़ा जाओ। द नोकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, जो दरवाजे पर जो खटखटाहट थी वो और तेज होती गई, लाउडर लाउडर होती गई। एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, और वहाँ से एक वॉइस आई, मिस्टर आसबल, मिस्टर आसबल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपने शरीर को मोड़कर, ट्विस्ट मीन्स मोड़ना, तो अपने शरीर को मोड़ते हुए, इस प्रकार से मोड़ते हुए, सो दैट इज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड इज गेस्ट, ताकि उसकी जो गन थी वो अभी भी कवर करती रहे, मतलब दोनों को कवर करे, दोनों को जो है निशाना, जिसकी मतलब जिससे दोनों को निशाना बनाया जा सके, फैट मैन को और इस उसके मेहमान को। उसने अपने शरीर इस प्रकार से ट्विस्ट कर लिया कि उसकी गन का निशाना दोनों पर बना रहे, फैट मैन और उसके गेस्ट पर। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम, जो खिड़की के ऊपर जो आदमी था मतलब मैक्स, ठीक है, उसने ग्रैस्प्ड माने होता है पकड़ना, ग्रैस्प मीन्स पकड़ना, तो उसने ग्रैस्प्ड किया, पकड़ा द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड, अपने फ्री हैंड से किसको पकड़ा, चौखट को, जो खिड़की की चौखट थी उसको अपने जो है अपने फ्री हैंड से पकड़ा, और टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सहारा देने के लिए। एक आदमी तो उसकी गन थी जिसकी सहायता से उसने दोनों को निशाना बनाया हुआ था, जो फैट मैन था उसको और उसके मेहमान को, और जिसका फ्री हैंड था उसने उससे उसने क्या किया, जो चौखट थी, जैसे हम जो हमारे सर के ऊपर का जो हिस्सा चौखट का होता है, उसको पकड़ लिया उसने फ्री हैंड से, ठीक है, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए, क्योंकि वो बाहर जो गैलरी है उसमें कूदना चाहता है, उसके ऊपर कूदना चाहता है, और ये पहले ही बता दिया गया था कि अंधेरा हो रहा है बाहर, बाहर हमें कुछ नज़र नहीं आता। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप, फिर उसने जो अपनी दूसरी टांग थी उसको स्वंग अप किया। स्वंग अप का मतलब ऊपर की ओर मोड़ना। एंड ओवर द विंडो सील, और जो ऊपर की ओर उसने स्विंग, स्विंग का मतलब झूलना होता है वैसे तो, स्विंग मीन्स झूला होता है, तो उसने अपनी जो पैर थी उसको ऊपर की ओर झुलाया। एंड ओवर द विंडो सील, और विंडो सील के ऊपर से, ठीक है, विंडो सील के ऊपर से ले गया, जो विंडो की चौखट थी उसके ऊपर से बाहर की तरफ मतलब ले गया अपने पैर को उठा करके झुलाते हुए। द डोर नोब टर्न्ड, जो दरवाजे का जो कुंडी थी, डोर नोब कहते हैं जो दरवाजे की जो चिटकनी होती है, जो कुंडी होती है, वो घूमी, वो टर्न हुई। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील, और स्विफ्टली मानी तेजी से, मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड, मैक्स ने अपने लेफ्ट हैंड से अपने आप को धक्का दिया, टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील, उस जो खिड़की की जो सील थी, जो खिड़की की जो सील होती है नीचे का हिस्सा, खिड़की का जो नीचे का हिस्सा होता है उसके ऊपर उसने जो पैर रख रखा था जिसके ऊपर से, उस पर से अपने आप को फ्री करने के लिए, अपने जो फ्री हैंड था उससे अपने आप को, जो लेफ्ट हैंड था उसने अपने उससे अपने आप को धक्का दिया। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी पर गिरने के लिए, ठीक है, भाई दरवाजे की जो कुंडी थी वो घूमी, और मैक्स ने क्या किया, मैक्स ने एक हाथ से जो खिड़की की जो चौखट थी, फ्रेम थी, वो तो पकड़ रखी थी, और एक जो पैर था उसने खिड़की की तरफ करी रखा था, ठीक है, जो खिड़की नहीं सॉरी
विंडो सील के ऊपर से झुलाते हुए बाहर की तरफ कर रखा था। और उसने जैसे ही मतलब कुंडी घूमी तो उसने अपने जो जिस हाथ से उसने मतलब लेफ्ट हैंड से जो उसने जो फ्रेम पकड़ रखी थी, खिड़की की चौखट पकड़ रखी थी, उससे अपने आप को धक्का दिया ताकि वो जो है बालकनी पे गिर जाए, बालकनी पे कूद जाए। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और फिर उसके बाद जो ही वो गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस, वह एक बार चीखा श्रीली। और कैसे चीखा? तेजी से चीखा, जोर से चीखा। द डोर ओपन्ड, दरवाजा खुला, एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, और एक वेटर एक ट्रे के साथ वहां पे खड़ा हुआ था। जो कुंडी जो घूमी थी, जो बताया था कि भाई कुंडी घूमी, डोर नोब थी जो टर्न हुई थी, इसका मतलब कोई अंदर आने को हो गया था। तो जब जैसे ही वो बार बालकनी की तरफ कूदा, दरवाजा तो दरवाजे की कुंडी तो घूम चुकी थी, तो वहां से कौन आया? वहां से एक वेटर आया जिसके हाथ में ट्रे थी, एक बोतल एंड टू ग्लासेस। उस ट्रे के ऊपर क्या था? एक बोतल थी और दो गिलास थे। हेयर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड, उसने कहा कि जब आप वापस लौटे थे तो सर, मतलब सर, हेयर इज द ड्रिंक, ये आपकी ड्रिंक है, यू ऑर्डर्ड फॉर, जो आपने जिसका आपने आदेश दिया था, व्हेन यू रिटर्न, जब आप वापस लौटे थे, मतलब जब आप वापस लौटे थे तो जब आपने एक जो ऑर्डर दिया था ड्रिंक का, ये वो ड्रिंक है सर, ही सैड, उसने कहा, किसने कहा? वेटर ने कहा। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने जो ट्रे थी वो टेबल पर रख दी, मेज पर रख दी। डेफ्टली अनकॉर्क द बोतल, डेफ्टली का मतलब है स्किलफुली, स्किलफुली, ठीक है, स्किलफुली जो बोतल थी उसको अनकॉर्क किया। जैसे आजकल जो बोतल आती हैं उसके ऊपर ढक्कन के ऊपर एक और कॉर्क लगा होता है, उस कॉर्क को हटा दिया। एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे से चला गया। वाइट फेस्ड, सफेद चेहरे के साथ, अर्थात अब जो फॉलर था उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, क्योंकि वो बहुत ही डर गया था कि वो क्या होने वाला है, क्या रोमांच, मतलब एकदम बिल्कुल जो है रोमांचकारी परिस्थिति जो उपलब्ध हो गई थी, क्योंकि वो भी नहीं जानता था कि दरवाजे पर वेटर है। उसने भी सोचा था भाई पुलिस होगी। तो वाइट फेस्ड, सफ़ेद चेहरे के साथ फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, जब नौकर जा रहा था तो उसके पीछे पीछे वो घूर रहा था, उसकी निगाहें जो थी वेटर के पीछे पीछे घूर रही थी उसको। और उसने कहा बट ही स्टैमर्ड, स्टैमर का मतलब हकलाना, तो उसने हकलाते हुए उसने कहा कि बट, लेकिन द पुलिस, कि भाई पुलिस, देर वर नो पुलिस, हॉस्बल साइड, हॉस्बल ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि कोई पुलिस नहीं है, ओनली हेनरी, केवल ये तो हेनरी था whom I was expecting, जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, जिसकी मैं अपेक्षा कर रहा था या प्रतीक्षा कर रहा था, जिसकी मैं आशा कर रहा था, कुछ भी कह सकते हैं। आगे है बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर बिगेन, फॉलर ने दोबारा शुरू किया, अर्थात फॉलर ने दोबारा कहा कि क्या बालकनी पर वह आदमी नहीं, ऐसे कहा कि भाई बालकनी पे जो आदमी है, कहने का मतलब यह है कि जो बालकनी पे जो आदमी गया है क्या वो वापस नहीं लौटेगा? नो, सेड आसपल, आसपल ने कहा नहीं नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं लौटेगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र, तुम जानते हो, देर इज नो बालकनी, कि वहाँ पर कोई बालकनी है ही नहीं। इसका मतलब जो मैक्स था, वो जैसे बताया था शुरू में कि जिसका जो कमरा था वो 6th फ्लोर पे और टॉप फ्लोर पे था, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, तो टॉप फ्लोर पे था, ये होटल था, तो जो टॉप फ्लोर थी, इस टॉप फ्लोर पे उसका कमरा था, और वो क्योंकि वो 6th फ्लोर से कहाँ आया होगा, बालकनी तो थी नहीं तो कहाँ आया होगा, वो सीधा ज़मीन पे आया होगा, पर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई 6th फ्लोर से और नीचे आए और वो जिंदा बच जाए, ठीक है। तो इस तरह से उसने जो मैक्स था उससे अपना पीछा छुड़ाया, जान छुड़ाई। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस प्रकार जो है हॉस्बल ने मैक्स से छुटकारा पाया। तो ये था आपका लेसन, कैसा लगा ये लेसन,
तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।